हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप क्लास प्लस 2 के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने 35 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 36 जो एग्जामिनेशन पार्ट 2 से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ना केवल मात्र क्लास प्लस 2 के लिए बल्कि जो व्यक्ति जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक CA MBA या PGT कॉमर्स लेक्चर कॉमर्स, तो वो उन सबको जो है ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 36, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू पार्टनर्स आर, ये बोलते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को जो है वो, यानी कि इसी तरह की जो आइटम होती है चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन सैलरी हो, इंटरेस्ट ऑन कमीशन हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, पार्टनर कमीशन हो, तो इन प्रकार की जो आइटम है उनको क्या ट्रीट किया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन इंक्रीजिंग ऑफ प्रॉफिट, चेंज ऑफ प्रॉफिट या नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो फर्स्ट जो ए इसका राइट आंसर है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। विच आइटम इज इंक्लूड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी और कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऑल ऑफ द अबोव। तो ये सारी की सारी आइटमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का में आती है, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी और पार्टनर कमीशन डेबिट में आता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है क्रेडिट में आता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूड इन पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट, तो कौन सी आइटम जो है पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड नहीं की जाती है। तो आप सभी जानते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो आइटम आती है वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल आती है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स नहीं आती है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग आती है और सैलरी ऑफ पार्टनर्स भी आती है। तो इसका मतलब है कि जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, लोन बाय पार्टनर्स, ये पार्टनर्स लोन अकाउंट में आता है ना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है। उसके बाद अनलेस अदरवाइज स्टेटेड सैलरी विल बी, सैलरी को क्या ट्रीट किया जाता है, तो यहां पर बी गिवन टू ऑल पार्टनर्स, बी गिवन ओनली टू वर्किंग पार्टनर्स, नन नॉट बी गिवन नन ऑफ दीज। तो अगर सैलरी जो है सैलरी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई हो, या पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो, कमीशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो, तो इसका जो राइट आंसर है कि नोट टू बी गिवन, तो ये नहीं दी जाती है, इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद अगला जो है, द नेचर ऑफ पार्टनरशिप करंट अकाउंट आर, कि पार्टनरशिप अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, इम्पर्सनल अकाउंट है, असेट है, लाइबिलिटी है। तो आप सभी जानते हैं पार्टनरशिप करंट अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, क्योंकि इट इज रिलेटेड विद पार्टनर्स एंड, तो जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है इट इज रिलेटेड विद पर्सनल अकाउंट। पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, साइमल्टेनियसली विद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ऑल ऑफ टाइम्स। तो इसका जो राइट आंसर है पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड, पास्ट मीन्स जैसे आप लोगों को क्लियर है क्लियर इसके, तो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जो है वो पास्ट एडजस्टमेंट की जा सकती है। पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 कि ए एंड बी आर पार्टनर हैविंग ए कैपिटल ऑफ ₹2 लाख एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली, फर्म हैज ए प्रॉफिट ऑफ 50,000, शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर ए एंड बी विल बी, तो व्हेन इन्फॉर्मेशन आर नॉट गिवन इट इज वेरी मच क्लियर इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर इक्वल रेशियो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, क्योंकि 50,000 के प्रॉफिट को जब इक्वली बांटेंगे तो 25,000 ए को मिलेगा और 25,000 जो है वो बी को मिलेगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो राइट आंसर आएगा वो ए आएगा, बी नहीं हो सकता है, सी भी नहीं हो सकता है और डी भी नहीं हो सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ, जो पी और क्यू है वो पार्टनर है, वह प्रॉफिट को रेशियो को बांटते 3:2 में, 3:2 में, फिक्स्ड कैपिटल जो इनकी 4 लाख और 2 लाख है रिस्पेक्टिवली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइड 8% पर एनम, फर्म हैड ए प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 इन द ईयर 2017 एज पर द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज ऑन प्रॉफिट, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी, तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितना होगा, तो आप सभी जानते हैं 4 लाख का 8% 32,000 और 2 लाख का 8% भी जो है वो 16,000 आता है। तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो ए आएगा, दैट मींस कि
पी को जो है इंटरेस्ट कैपिटल 32,000 मिलेगा और क्यू को 16,000 मिलेगा, और ये बाकी कोई ऑप्शन जो है इसके सही नहीं है, क्योंकि यही जो है ऑप्शन है। तो जैसे हमने कैलकुलेशन के बाद बताया कि 4 लाख का 8% जो है वो 32,000 और 2 लाख का जो आपका 8% है वो 16,000 है, तो ये इसका जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन नंबर 44, ए पार्टनरशिप विड्रॉ ₹10,000 इन ए ईयर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम विल बी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है पर इन ए ईयर जो है वो 12,000 रुपये निकालता है बंदा, तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 6% है, तो 12,000 का 6% ₹720। और आप सभी जानते हैं मैंने इन्फॉर्मेशन आर गिवन नॉट गिवन, इट विल बी कैलकुलेटेड और फॉर 6 मंथ, तो 6 महीने का जो है वो ₹360 है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो बी आएगा, दैट मीन्स की 360 इज द राइट आंसर। उसके बाद ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 7:3, हैविंग फिक्स कैपिटल ऑफ ₹2 लाख और 1 लाख आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट फॉर द ईयर 2018, द अकाउंटेंट रिलीज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम इंस्टेड ऑफ 10%, द अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री विल बी। तो इस बात का ध्यान रखिए, इसके लिए आपको एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा कि आपने इतने के स्थान पर इतना दिया और उसका जो डिफरेंस आएगा एडजस्टमेंट टेबल के बाद, तो जिसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ए, दैट मीन्स की 200, 200 जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3, हैविंग फिक्स कैपिटल ऑफ ₹3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ फॉर द ईयर 2018, द क्लर्क रिलीज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज प्रोवाइड 6% पर एनम इंस्टेड ऑफ 8%। तो इसके लिए भी आपको एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा, उसके बाद एडजस्टमेंट टेबल के बनाने के बाद जिस बंदे ने गेन किया उसी कैपिटल को डेबिट कर देंगे और जिस बंदे ने सेक्रीफाइस किया उसी कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। तो कैलकुलेशन करने के बाद इसका जो आंसर आया वो आया जी ए, दैट मीन्स की 2 लाख 2,000। यदि किसी को बच्चे को जो है ये समझना है तो वह फोन कॉल के माध्यम से मुझे क्यूरी कर सकता है, क्योंकि अगर कैलकुलेशन करने में हम ज्यादा टाइम लगाएंगे, इसमें कैलकुलेशन दिखाएंगे तो वीडियो जो है ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो यदि फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप फोन कॉल के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, जेड प्रोवाइड ए गारंटी मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹10,000 फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2019 इज ₹40,000 एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जेड विल बी गेट जो है वो गेट करेगा। तो यहाँ क्लियर इंडिकेशन है कि 10,000 जो है वो मिनिमम गारंटी दी थी, इसका मतलब है कि द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी मिनिमम प्रॉफिट जो है वो उसके बराबर इसको मिलेगा मिलेगा, दैट मीन्स कि 10,000। क्योंकि यहाँ अगर रेशो में भी आप इसको बांटें तो 5:3:2, 5:3:2, दैट मीन्स कि 40,000 को अगर आप डिवाइड करेंगे कितने से जी, 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो 8,000 आया। तो 8,000 आप इसको नहीं देते क्योंकि हमने इसको गारंटी दी है कि आपको मिनिमम 10,000 देंगे, तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर आएगा वो सी आएगा। उसके बाद व्हेन टाइम ऑफ विड्रॉल आर नॉट मेंशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज फॉर द पीरियड ऑफ, अभी आपको बताया था कि व्हेन टाइम ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट गिवन दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो 6 मंथ आएगा, दैट मीन्स कि 6 मंथ। ईच पार्टनर्स हैज ए राइट, सभी पार्टनर्स को राइट है, क्या राइट है जी, ईच पार्टनर्स हैव ए राइट टू पार्टिसिपेट इन द फर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, टू शेयर प्रॉफिट इन द फर्म्स प्रॉफिट, टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म्स, तो ऑल ऑफ द अबव, सभी राइट्स हैं इसको, ये सारे के सारे राइट्स हैं जो इसके अंदर दिए हैं। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन, तो आप सभी जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, ध्यान रखें इस बात का, बार बार आपको बताया गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, नॉट एवरेज कैपिटल, नॉट क्लोजिंग कैपिटल, इसका मतलब है कि ये ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इफ द पार्टनर्स हैव राइट टू गेट इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल देन इंटरेस्ट विल बी गिवन आउट ऑफ, तो इंटरेस्ट विल बी गिवन आउट ऑफ किससे दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखें आप कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन आउट ऑफ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी गिवन आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली, प्रॉफिट और कैपिटल, कैपिटल ओनली या नन ऑफ दीज, तो इसका जो राइट आंसर है वो प्रॉफिट ओनली। इफ द पार्टनरशिप हैविंग हैव राइट टू गेट इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल
देन इंटरेस्ट विल बी गिवन आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली। उसके बाद है अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट विल बी ऑलवेज हैव। तो बैलेंस जो है पार्टनर्स करंट अकाउंट का, आइदर ऑफ टू, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है डेबिट और क्रेडिट, दैट मीन्स की आइदर डेबिट और आइदर क्रेडिट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एनेक्टेड ऑन, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ था 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट जो है वो 1932 है। उसके बाद है ए पार्टनर्स में ट्रांसफर टू, ए पार्टनर्स में ट्रांसफर टू ही शेयर ऑफ टू अनदर पर्सन बाय बाय द कंसेंट ऑफ वन पार्टनर्स, बाय द कंसेंट ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द पार्टनर्स, बाय द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो इसका जो राइट आंसर है, या बाय द परमिशन ऑफ द कोर्ट, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। पार्टनर्स में ट्रांसफर ए पार्ट ऑफ हिज शेयर टू अनदर पर्सन बाय द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप। तो इसमें कौन सी करेक्ट है, तो प्रॉफिट शेयरिंग विल बी इन द कैपिटल रेशियो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, गलत बात है ये। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी इज 20, नो इट इज 10। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी प्रोवाइडेड 6% इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो ये बोलते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दैट इज वेरी राइट आंसर, दैट इज अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 13D के अनुसार इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी प्रोवाइडेड 6% पर एनम इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। द देयर विल बी मैक्सिमम टू पार्टनर्स इन ए नॉर्मल पार्टनरशिप, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, दैट इज मैक्सिमम पार्टनरशिप इन द पार्टनरशिप फर्म इज 50। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल टू रिसीव, पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल टू रिसीव इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप नो सैलरी नो कमीशन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट मीन्स की ऑल ऑफ द एबो इज द राइट आंसर। तो इसका मतलब है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स को ना तो सैलरी दी जाएगी, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना कमीशन दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर रिजर्व फंड, फॉर नेट प्रॉफिट, फॉर डिविडेंड प्रॉफिट और नन ऑफ द अबव, फॉर डिविजिबल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर डिविजन ऑफ प्रॉफिट, दैट मीन्स की फॉर डिविजिबल प्रॉफिट। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनर्स कैन नॉट गेट, पार्टनर्स कैन नॉट गेट सैलरी, पार्टनर्स कैन नॉट कमीशन, पार्टनर्स कैन नॉट गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट मीन्स की ऑल ऑफ द एबो इज द राइट आंसर। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनर्स विल गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं दिया जाएगा, पार्टनर्स कैन नॉट गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैन नॉट गेट कमीशन, बट दे गेट इंटरेस्ट ऑन लोन अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 13D के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज गिवन शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कौन सी आइटम जो है वो गिवन है, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शोन की जाती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नोट शो की जाती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी ऑफ पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्रॉइंग। तो इस बात का ध्यान रखें, ड्रॉइंग इज नॉट शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट विल बी शोन ऑन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन 1 January 2017 ए पार्टनर्स लैंड शॉर्ट टर्म लोन्स ऑफ ₹50,000 ऑफ द फर्म, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इट विल बी गेट लोन ऑन 1 March 2017। तो अमाउंट क्या आएगा वो आप सभी जानते हैं कि इसका 6% आएगा और मार्च से लेके 3 महीने का, तो ये आपके पास 750 आएगा। तो कि कैलकुलेशन करने के बाद इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 750। द नेक्स्ट 6% पर हम लिया जाएगा 50,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12। तो इस प्रकार से जो है वो 3 महीने का या 2 महीने का जितने का भी जो है कैलकुलेशन की जाएगी, जो महीने के अनुसार कैलकुलेशन की जाएगी, और ये आपके पास 750 आएगा। उसके बाद अगला जो है एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 6:4:1, एक्स गारंटी जेड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹15,000, द फर्म हैड प्रॉफिट ऑफ ₹90,000, एक्स शेयर विल बी, एक्स का शेयर कितना होगा, एक्स अपने शेयर में से देगा, इस बात का ध्यान रखें। सबसे पहले तो एक्स का शेयर निकाला जाएगा
ये आपके पास आएगा, अगर एक्स के शेयर की बात करें तो 11 से डिवाइड किया 54,000, 54,000 में से फिर उसके बाद जेड का शेयर देखा जाएगा, और जेड का शेयर था 11,000, तो आपने 4,000 इसमें से देखा, तो इसका मतलब है कि जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा जी 48,000। 48,000 जो है इसका राइट आंसर आएगा कि एक्स को जो है 48,000 मिलेगा। यदि भी इसका शेयर जो है जब वो ज्यादा बनता है, परंतु वह अपने शेयर में से जो है वो किसको देगा, जेड को देगा, क्योंकि उसने मिनिमम गारंटी दी है कि भाई तेरे को इतना पैसा मैं दूंगा, क्योंकि जेड का अपना हिस्सा इसमें से 9,000 आता है, तो 9,000 में से इसका एक्स का हिस्सा जो है वो 54,000 आता है, 54,000 में से 6,000 इसको एक्स को देने, जेड को देने पड़ेंगे, क्योंकि उसने गारंटी दी है कि मैं तेरे को 15,000 कम से कम दूंगा। इसका मतलब है कि 6,000 जो है अपने हिस्से में से इसको देगा, तो इसका मतलब है कि एक्स के पास जो अपना हिस्सा बचेगा वो 48,000 बचेगा। उसके बाद एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:1, जेड इज गारंटी टू मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹80,000। ही शेयर विल बी डेफिशिएंसी बोर्न बाय एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद द फर्म हैड ए प्रॉफिट ऑफ ₹5,60,000 ड्यूरिंग द ईयर्स द ईयर 2017। द डिफिशियंसी ऑफ वाई विल बी, वाई की डिफिशियंसी कितनी होगी, तो पहले हम देखते हैं भी जेड को कितने की जरूरत है। जेड का जो शेयर है 56,000 को हमने जो है 56,000 आया, 56,000 में से जो कम पड़ा वो 80,000 में से आप 56,000 हटाएंगे, दैट मीन्स कि ये 24,000, 24,000 को जो है ये देंगे 3:2 में, तो 24,000 का आप सभी जानते हैं 5 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आएगा 9,600। तो 9,600 की डिफिशियंसी जो है वो एक्स से वाई से जो है बोर्न की जाए, बोर्न लेगा जेड। उसके बाद अगला जो है, व्हेन इक्वल अमाउंट आर विड्रोन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर्स ड्यूरिंग द ईयर, द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड एज, किस फार्मूले से कैलकुलेट की जाएगी, तो टोटल ड्राइंग इंटू रेट बट 100 इंटू 7.5 अपॉन 12, ये चार्ज की जाएगी यदि बिगिनिंग में हो, यदि मध्य में हो तो ये चार्ज की जाएगी, और यदि एंड में हो तो ये चार्ज की जाएगी, ये चार्ज की जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिए आप कि इसका जो राइट आंसर है वो आएगा ए, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद अगला जो है, व्हेन इक्वल अमाउंट आर बी ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ थ्रू आउट द ईयर द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो आप सभी जानते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा टोटल ड्राइंग इंटू रेट बटा 100 इंटू 5.5 अपॉन 12, और यदि बिगिनिंग में तो ये आंसर आएगा, और यदि एंड में तो ये, यदि मध्य में तो ये आंसर आएगा, और व्हेन इन्फॉर्मेशन आर नॉट गिवन दैट, तब भी यही फॉर्मूला रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। उसके बाद है कैलकुलेट मैनेजर कमीशन इफ प्रॉफिट इज ₹66,000, कमीशन इज अलाउड 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो मैनेजर कमीशन होगी जी 6,000, क्योंकि जो फार्मूला होगा वो होगा नेट प्रॉफिट इंटू रेट बटा 100, नेट प्रॉफिट इंटू रेट बटा 100 इंटू 100 प्लस रेट, दैट मीन्स की 110। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 6,000। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है जी कि अमित एंड रोहित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2, कावेरी वॉज द मैनेजर हु रिसीव्ड सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ, 12,000 पर मंथ इन एडिशन टू देयर कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, द टोटल रेमुनरेशन ऑफ कावेरी ₹2,04,000 प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। तो ये बोलता है कि रेमुनरेशन ऑफ कावेरी जो है वो कैलकुलेट करना है, और 2,04,000 है और प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड सैलरी, तो जो इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा जी डी, डी इज द राइट आंसर, दैट मीन्स कि 4,08,004,000। तो किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 68, तो टोटल ड्राइंग जो आपकी इसमें आएगी, यानी कि क्वेश्चन है हमारे पास कि बी ड्रॉ ₹8,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 9 मंथ एंडिंग 31st मार्च 2019, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। तो 9 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए टोटल ड्राइंग 72,000 आई, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास दिया है 10%, और आप सभी जानते हैं कि 9 मंथ्स का एंड में निकालता है, तो अगर आप इसका कितने महीने का निकाला जाएगा तो ये आपका 4/12, तो इस प्रकार से इसको कैलकुलेट किया जाएगा, और ये जो कैलकुलेट करने के बाद ये आपके पास आएगा जी, अगर आप इसको काट दें और इसको भी कैलकुलेशन कर दें तो ये आपके पास आएगा दैट मीन्स की 2,400। तो इस प्रकार से इसको कैलकुलेट किया जाएगा, तो अर्थात आप इसी प्रकार से क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे, यदि किसी क्वेश्चन की कैलकुलेशन आपको नहीं आती है तो आप उसमें भी क्यूरी कर सकते हैं। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी आपका,
कि टॉम एंड हैरी वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 5:2 ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015. टॉम एंड हैड विड्रॉ ₹40,000. इंटरेस्ट ऑन हिज ड्राइंग अमाउंटेड टू ₹2,000. अमाउंट डेबिटेड टू टॉम्स कैपिटल अकाउंट. टॉम्स कैपिटल अकाउंट फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज, तो किस प्रकार से जो इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो इसका कैलकुलेट किया जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के बाद, क्योंकि वो प्रॉफिट को शेयर करते हैं, तो द अमाउंट डेबिट टू टॉम्स कैपिटल अकाउंट फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो आएगा जी आपका 2000. तो ये हमने कैलकुलेशन करने के बाद ये आपके पास 2000 आएगा. इसी प्रकार से आभा एंड भारत वर ए पार्टनर्स, दे वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इक्वली. ऑन 1 अप्रैल 2014 देयर कैपिटल जो है आपके पास 3 लाख और 2 लाख दिए रिस्पेक्टिवली. द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% एंड द प्रॉफिट जो है वो आपके पास 50,000 दिया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015. द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर्स जो है वो दिया है. तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा जी इसमें, इसमें कैलकुलेशन करने के बाद इसमें से इसका कोई भी आंसर नहीं आएगा. तो ये बोलते हैं कि इसका आंसर आएगा नील. उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 71. व्हाट शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड ए स्लीपिंग पार्टनर्स हु हैज कंट्रीब्यूट 80% ऑफ द टोटल कैपिटल गेट इन द अब्सेंस ऑफ ए डीड. तो क्वेश्चन नंबर 71 में ये बोलते हैं कि प्रॉफिट जो है जब साइलेंट पार्टनर्स हो या कंट्रीब्यूशन 80% ऑफ टोटल कैपिटल इन इन गेट, तो व्हेन इन्फॉर्मेशन दैट इज इक्वल शेयर. तो यहाँ ध्यान रखें इक्वल शेयर दिया जाएगा. व्हेन इन्फॉर्मेशन आर नॉट गिवन प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर इक्वल रेशियो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 13 के अनुसार जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. तो इस बात का ध्यान रखें. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ एक्स ड्रॉ 16,000 बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ. रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% 9 मंथ का है, तो आप सभी जानते हैं 4.5 महीने का लगेगा. तो टोटल ड्राइंग जो है वो कैलकुलेशन करने के बाद दैट मीन्स कि 9 मंथ्स का टोटल ड्राइंग आएगी और उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 1,44,000. 1,44,000 का 10% और आप सभी जानते हैं कि ये 9 मंथ का है, तो 4.5/12 और इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी जी आपकी इस क्वेश्चन के अनुसार. अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आएगी 6,000. दैट मीन्स कि 6,000 का मतलब है कि ए इज द राइट आंसर. उसके बाद है अगला क्वेश्चन है कि मीना एंड टीना आर पार्टनर शेयरिंग इन ए फर्म. मीना इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 25% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग 90,000. मीना विल गेट कमीशन. मीना को कमीशन मिलेगी. तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 90,000 इंटू रेट बटा 100 प्लस रेट, तो 125. इसको आप करेंगे तो आपके पास आएगा 18,000. उसके बाद है विच अकाउंट्स आर ओपन व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड. तो आप सभी जानते हैं कि व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड कैपिटल कैपिटल अकाउंट एंड कैपिटल करंट अकाउंट आर ओपन. तो कैपिटल अकाउंट एंड कैपिटल करंट अकाउंट आर ओपन. तो इस बात का ध्यान रखें कि कैपिटल अकाउंट और कैपिटल करंट अकाउंट आर ओपन व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड. तो इस बात का भी ध्यान रखें कि व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड. तो ये था जी हमारा आज की वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. Please like, comment and subscribe my channel and press bell icon for next notification. Thank you.